स्वागत है। तो संसद के रिकॉर्ड से हटाए गए राहुल गांधी के भाषण के अंश को लेकर इस वक्त राहुल गांधी खासतौर पर गुस्से में नजर आते हैं। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि ये खबर आज अखबार के पन्नों में भी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल देखिए, और राहुल गांधी के संसद में जो भाषण थे उसके अंश को हटा दिया गया है, जिसका विरोध जमकर किया जा रहा है कांग्रेसियों की ओर से। और साफ तौर पर जो विरोध है वो इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि इस बार तीखे हमले किए हैं सत्ता पक्ष पर राहुल गांधी ने, और उनके अंश को हटाने का काम किया गया। अब इसका विरोध लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है, हालांकि ये भी एक बड़ी खबर है अपने आप में और तमाम अखबारों ने इसे तरजीह जरूर दी है। लेकिन फिलहाल हम आपको दैनिक जागरण की खबर दिखा रहे हैं जहाँ संसद के खिलाफ जो बयान दिया गया था, माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष के खिलाफ, उसको लेकर राहुल गांधी के जितने भी बयान थे, जो भी उन्होंने भाषण दिया था, उस क्लिप को हटाने का काम किया गया है संसद के रिकॉर्ड से हटाए गए राहुल गांधी के भाषण के अंश। और देखिए, बीजेपी संघ के हिंदुत्व पर हमले बोले गए थे राहुल गांधी की ओर से, और इस टिप्पणी को लोकसभा अध्यक्ष ने हटा दिया है। वहीं नाराज राहुल ने स्पीकर को पत्र लिखा है, बोला मेरे विचारों को कार्यवाही से हटाना बिल्कुल गलत है। यानी यहां भी कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ के साथ पीएम मोदी पर तीखा हमला किया था संसद में, तो सत्ताधारी बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए स्पीकर से इन अंशों को निकालने की मांग की थी, जिसके बाद से कुछ अंश उनके भाषण से हटा दिए गए और इसे रिकॉर्ड में शामिल करवाने के लिए राहुल गांधी अब आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरे भाषण में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे किसी को तकलीफ हो, तथ्यों पर बात की गई है और उस अंश को दोबारा से रिकॉर्ड में लाया जाना चाहिए। बिल्कुल, और साफ राहुल गांधी ने ये कहा है कि ये मेरे अपने विचार हैं, मैं अपना विचार सदन में रख सकता हूँ। कार्यवाही के दौरान प्रत्येक व्यक्ति या कह लीजिए कि हर एक सांसद बिल्कुल आजाद है अपनी बात को रखने के लिए, ताकि जनता के मुद्दों को निष्पक्ष तरीके से उठाया जा सके। और राहुल गांधी का ये कहना है कि मैंने भी यही किया था, मैंने सिर्फ उन्हीं तथ्यों पर उन्हीं बातों का जिक्र किया था जो सच है। अब ऐसे में उनके भाषण के अंश को हटाने पर विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, खुद राहुल गांधी भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके जो अभिभाषण है, उनकी जो वो क्लिप्स जो हटाई गई हैं, उसे वापस लाया जाए, क्योंकि ये किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी बल्कि ये मेरे खुद के विचार थे।